सोलन जिला में भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मुबारक मौके पर बहनों ने भाई को तिलक लगाकर भगवान से उनकी लंबी उम्र, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहन को रक्षा का वचन देते हुए उन्हें शगुन के रूप में पैसे व गिफ्ट दिए। विवाहिता महिलाएं इस पावन पर्व पर मायके आई और भाइयों को तिलक लगाया। इधर भैया दूज के चलते शहर के बाजारों में खासी चहल पहल रही। लोगों ने जमकर मिठाइयों की खरीदारी की। सबके घरों पर मेहमानों का आना जाना लगा रहा। मेहमानों के स्वागत के लिए पकवान बनाए गए। बच्चों ने भी घर में खूब आनंद उठाया। इस खास पर्व पर सुबह से ही तिलक लगवाने के लिए भाई बहनों का एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला जारी रहा। आज भाई दूज है और आज मैं सभी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमने भाई दूज मैंने सुबह अपने भैया को तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की और भगवान सभी के भाइयों को लंबी उम्र प्रदान करें। धन्यवाद। आज भैया दूज है और सारी बहनें बड़ी उत्साहित हैं अपने भाइयों को टीका करने के लिए। मैंने भी टीका किया है और अपने भाइयों से आशीर्वाद लिया है, उनकी लंबी उम्र की कामना की है, सेहत अच्छी हो। और हम इसी तरह हर साल उन्हें टीका करते हैं कि वो अपने भाइयों को टीका लगाएं और खुशी खुशी उनकी लंबी उम्र की कामना करें। सभी को नमस्कार, मैं शीला कौशल भैया दूज की सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैंने अपने भाइयों को तिलक लगाया व धागा बांधा। सभी खुश रहने चाहिए, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।